हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। सो एज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बिजनेस इन पर चार्ट। बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब पे, और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स करते हैं या मैसेज करते हैं या ईमेल्स भेजते हैं कि सर ऐसे कौन से चार्ट होते हैं बर्थ चार्ट में जिससे कि इंसान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। तो सबसे पहले तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए हमें 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखनी है, और हमें साथ में ये देखना है कि हमारे बर्थ चार्ट में यानी मरकरी और जुपिटर की क्या प्लेसमेंट है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस है। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड बीइंग ए 10th लॉर्ड प्लेस इन 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, यू विल श्योरली बिकम सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बट अगर 10th लॉर्ड के साथ राहु केतु का कंजक्शन हो गया है, या 10th लॉर्ड 12th में चला गया है वहाँ पर राहु केतु का कंजक्शन हो गया है, या 10th लॉर्ड पे राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपकी जो लाइफ में जो बिजनेस होगा वो ऐसे चलेगा, यानी कि सम टाइम अप, सम टाइम डाउन, सम टाइम यू अर्न लॉट ऑफ मनी, सम टाइम यू आर सफरिंग फ्रॉम डेब्ट्स। सो आई मीन टू से कि 10th लॉर्ड प्लेसमेंट इज अ मस्ट, वी नीड टू चेक, अ मस्ट फॉर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सेकेंड, वेयर मरकरी प्लेस इन योर बर्थ चार्ट, बिकॉज मरकरी रिप्रेजेंट ट्रेडिंग, any type of trading, you may trade in intraday stock market, you may trade in any, you may become any shopkeeper, so we need to check a mercury ki kisi bhi cheez ko lekar usko bechna ye mercury ka kaam hai। to budh aapke birth chart mein kaisa hai, do cheeze aap dhyan mein rakhe chale, 10th house ke lord ki position kya hai, kya koi malefic planet 10th house ke sath to nahi hai, aur mercury aapke birth chart mein kahan par hai aur uski placement kahan hai। मैंने बहुत सारे बर्थ चार्ट देखे हैं जब मरकरी डेब्यूटेटेड होता है, चाहे 10th लॉर्ड के पोजीशन की प्लेसमेंट अच्छी हो 10th लॉर्ड की, मरकरी डेब्यूटेटेड होने से भी इंसान को लॉसेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मरकरी रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन को। सो गाइस, हम जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, तो हमें काल पुरुष की कुंडली को नहीं भूलना चाहिए। आपका बर्थ चार्ट चाहे एरीज असेंडेंस का है, टॉरस का है, जेमिनी का है, कैंसर का है, लियो का है, वर्गो का है, लिब्रा का है, स्कॉर्पियो का है, सैजिटेरियस का है, कैप्रिकॉर्न का है, एक्वेरियस का है या पाइसिस का है, लेकिन हम ये ना भूलें कि काल पुरुष की कुंडली प्ले अ बिग रोल। यानी कि आपका बर्थ चार्ट किसी भी लगन का है वो एग्री आया, एग्री कि आपका जन्म जो हुआ वो उस लगन में हुआ, लेकिन काल पुरुष में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस को शनि भी रिप्रेजेंट करता है, तो हम शनि के भी देखेंगे पोजीशन को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए। यानी कि 3 या 4 ग्रह ऐसे हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं बिजनेस में, 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन, मरकरी की पोजीशन, सैटर्न की पोजीशन और जुपिटर की पोजीशन, इन 4 प्लैनेट्स का आपके बर्थ चार्ट में अच्छा होना जरूरी है। ये नहीं है जरूरी कि चारों ही अच्छे हों तभी आप बन सकते हो सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इन चारों में से अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 या 3 प्लैनेट भी वेल प्लेस्ड हैं या पॉजिटिव हैं, खास करके अगर सैटर्न बड़ा अच्छा प्लेस्ड है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10th लॉर्ड सैटर्न है, और सैटर्न बीइंग ए 10th लॉर्ड आपके 11th में प्लेस्ड है, आपके 9th में प्लेस्ड है, आपके 4th में प्लेस्ड है, या आपके 3rd में, या आपके 5th में प्लेस्ड है, तो यू विल बिकम आप ऑनर ऑफ एनी फैक्ट्री, यू विल बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर, आपकी मैनुफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, बहुत सारे लेबर के लोग आपके नीचे काम कर सकते हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड आपका सैटर्न है, जो कि काल पुरुष की कुंडली में भी 10th लॉर्ड बनता है। सो गाइज, उसी तरीके से जुपिटर हमारी सेविंग्स को, हमारे सोर्स ऑफ अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी ट्रेड है, जुपिटर पैसा है, सैटर्न हार्डवर्क है, तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज अ मस्ट। हम 10th लॉर्ड को भी भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए। मरकरी इज योर ट्रेडिंग, मरकरी इज योर बिजनेस, सैटर्न इज योर हार्डवर्क, सैटर्न इज योर मैनुफैक्चरिंग एंड हार्डवर्क, आपका जो पसीना बहाना, मेहनत करनी, क्योंकि बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं है, तो जो कर्म है ना वो शनि के अंदर आता है। और जो जुपिटर है ये एक्सपेंशन और ग्रोथ का प्लैनेट है, ये सेविंग्स का प्लैनेट है। हम अपने बिजनेस से कितना कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, ये हमारे बर्थ चार्ट में सैटर्न, जुपिटर और मरकरी की प्लेसमेंट से पता लगता है। सो गाइस, एक 10th लॉर्ड पे आप डिपेंड ना रहें कि यार मेरा 10th लॉर्ड 10th में है, आपको ज़रूरत है सैटर्न की। देखो, एक बात याद रखें, सैटर्न प्ले अ बिगेस्ट रोल, सैटर्न इज़ ए कार्मिक प्लैनेट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुरु और शनि ये 2 बाप है हॉरोस्कोप में, एक कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, एक धर्मों को रिप्रेजेंट, एक मंदिर गुरुद्वारे को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज जुपिटर, एक आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज सैटर्न। सो वी नीड टू चेक विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर सैटर्न इन अवर बर्थ चार्ट। एंड सेकेंड, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड ट्रेडर, इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड एनी टाइप ऑफ थिंग, देन यू शुड चेक द मरकरी प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट। सो गाइज, कीप वॉचिंग एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर। आई होप
you understand what I want to clarify with you about related to astrology. So you should consult your nearest astrologer for know the position of your 10th lord and Saturn, Jupiter and Mercury, which type of placement in your birth chart. Then you start your business, otherwise you will bear losses. So you need to be careful. Thank you. Namaskar. Jai.